दुनिया भर में फैली महामारी से मौतों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि हर एक देश अपने स्तर पर इससे बचने के लिए नए नए प्रयोग तो कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इस वायरस की वैक्सीन को डेवलप किया जा सके, जिससे कि जो खौफ लोगों के मन में कोरोना को लेकर बैठा हुआ है उससे मुक्ति मिल सके। ऐसा ही उपयोग किया गया है ओडिशा में स्थित कटक में। यहाँ कोरोना को लेकर कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है, लेकिन एक रोबोट बनाकर जरूर तैयार कर दिया गया है। आईटीआई कटक ने ऐसे के रोबोटिक्स के सहयोग से रोबोट बनाया है, जबकि आईटीआई पुणे ने खुद इसे विकसित किया है। आईटीआई स्टूडेंट्स की तरफ से तैयार किए गए दोनों रोबोट्स स्वास्थ्य कर्मियों को संकट के काल में हर संभव मदद उपलब्ध कराएंगे। ये रोबोट कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए अहम साबित होंगे, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना मरीजों के सीधा संपर्क में आने की जरूरत नहीं होगी। ये रोबोट ही कोरोना मरीजों तक सब चीजें पहुंचाएंगे। ये रोबोट एक जगह से दूसरी जगह तक 25 किलोग्राम भार ले जाने में सक्षम है, और सबसे बड़ी बात ये रोबोट वायरलेस है। इसके लिए केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि जो एक अभियान चल रहा है जागरूकता का, लोगों की सेवा का, उसमें अच्छी पहले की है, उनके बारे में मैंने प्रत्यक्ष संवाद किया और उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने अनेक जगह नई नई अच्छी पहले की, लाखों की संख्या में मास्क बनाए और अनेक प्रकार का योगदान किया। इसमें दो बड़ी उल्लेखनीय बातें आईं कि कटक की आईटीआई ने एक बहुत बेहतर सर्विस रोबोट बनाया है, और पुणे डिफेंस सेक्टर के अंदर वहां चलने वाली आईटीआई ने भी एक सर्विस रोबोट बनाया है, और ये दोनों सर्विस रोबोट जो इस समय कोरोना से बचाव के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग एक अहम कदम है, उसमें बहुत ही सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के मुताबिक स्किल इंडिया अभ्यर्थियों को कौशल युक्त बना रहा है। आपको बता दें कि कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए तैयार किए गए इन दोनों रोबोट्स को बहुत ही कम लागत लगाकर तैयार किया गया है। प्रत्येक रोबोट पर सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपए का खर्च आया है।